एक ही जैन जी, मुझे आपसे समझना है कि पुलिस कस्टडी में मौत का ये मामला कितना गंभीर है। क्या पुलिस को ऐसी ट्रेनिंग नहीं होती या पुलिस की कार्रवाई ऐसी नहीं होती कि आप एक आरोपी जिसमें सिर्फ 600 रुपए का विवाद है आप उसे पकड़ के ला रहे हैं, जेल में वो पानी मांग रहा है जैसा परिवार वालों का आरोप है, पानी देना भी मुनासिब नहीं समझा जाएगा क्या? देखिए सर, प्रथम तो मैं बतौर एक्स डीजीपी अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं इस परिवार के प्रति। ये बहुत ही दुखद घटना है, एक कलंक है उत्तर प्रदेश पुलिस के ऊपर, मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है। नंबर दो, 600-700 रुपए के विवाद में कोई कानून ऐसा नहीं कहता कि आप किसी को पकड़ कर लाकर हवालात के अंदर कर दीजिए, और हवालात के अंदर कितनी देर वो रहा, कब उसकी गिरफ्तारी हुई, कब उसको उसकी गिरफ्तारी शो की गई, ये सारे बिंदु आएंगे, जांच में आएंगे। मेरा अवश्य ये मानना है, जो मैंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ी है उससे एक बात मैं और कहना चाहूँगा, मुझे नहीं लगता कि ये इन चोटों की वजह से डेथ हुई है, या तो कहीं पर मिसहैंडलिंग हुई है या कहीं पर किसी इंटरनल ऑर्गन में इंजरी आई है, अन्यथा जो है ये एक हार्ट अटैक का भी प्रकरण हो सकता है कि उसको इतना शॉक लगा कि उसको इतने छोटे 600-700 रुपए के विवाद में उसको हवालात में डाल दिया गया। जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं वो ये कह रहा हूँ, ये राजनीति से ऊपर उठकर है और बहुत ही दुखद घटना है। पानी अगर मांग रहा है उसको पानी दिया जाना चाहिए, सारे प्राविधान हैं, और बाकी जो कैदी थे मैं हवालात में, उन्होंने उसको सपोर्ट किया, उन्होंने तुरंत बताया इस तरीके की घटना हो गई। 600-700 रुपए के विवाद में हवालात में डालने का मुझे कोई किसी कहीं दूर दूर से कोई लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है। आप किस बात पर उसको रात को पकड़ के लाए, आपने क्यों उसको जो है वो वहां पे हवालात के अंदर डाल दिया? ये तो 600-700 रुपए के विवाद तो आए दिन छोटे मोटे रास्ते चलते होते रहते हैं और उसको सेटल कर दिया जाता है। इसमें कौन सा केस ऐसा रजिस्टर किया कि इन्होंने उसकी अरेस्ट दिखा दी 7 साल से? हमें सबको पता है, बीएनएसपी कहता है 7 साल से नीचे की जिसमें सजा ना हो उसमें आप इस तरीके से अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, समझना यही है कि जैन जी कि ये इतना बड़ा मामला कैसे बना यूपी पुलिस के लिहाज से कि आपने रात में आनंद फानंद में उसको पकड़ा, उसे लॉकअप में डाला, वो पानी मांगता रहा लेकिन उसे पानी नहीं मिला। परिवार तो कम से कम यही कह रहा है, इसका जवाब शहजाद जी से लूं। उससे पहले मैं संदीप जी आपके पास आ रही हूं, आपने तो नया ही रंग दे दिया इस घटना को। नायक जी जो सवाल उठा रही है वो कह रही है कि पुलिस अत्याचार कर रही है, शहजाद पूनावाला जी कह रहे हैं कि भाई ये अत्याचार तो बाकी जगहों पर भी होते हैं, लेकिन त्रिपाठी जी आप तो यहां पर जाति वाला एंगल लेकर आ गए। देखिए प्राची जी, हिंदी की एक कहावत है, अंधा सिपाही कानी घोड़ी, जब ये दोनों का मेल हो जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है सब कुछ। आज जो है अपराध और अपराधियों से लड़ने की बड़ी बड़ी बातें तो होती है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि आज हमारे प्रदेश के जो मुखिया है उनके ऊपर कभी 7 मुकदमे रहे और खुद के मुकदमे उन्होंने वापस लिए हैं, तो अपराध से कैसे लड़ेंगे और कैसे लड़ाएंगे। और कानी घोड़ी की बात आप समझिए, जब आप पुलिस से फर्जी इनकाउंटर सिर्फ राजनीति प्रोपेगेंडा के लिए करेंगे, और तो जाहिर सी बात है पुलिस इस तरीके से निरंकुश होगी ही होगी। अब रही बात ब्राह्मणों की, मैं तो ब्राह्मण होने के नाते और पहली डिबेट नहीं है, आपके चैनल पर भी 2-4 बार बोल चुका हूं और बहुत सारे चैनलों के डिबेट में ये बोलता हूं कि उत्तर प्रदेश में आज ब्राह्मण होना पाप हो गया। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, अब तक 500 से ज्यादा ब्राह्मणों की हत्या इस प्रदेश में हो चुकी है। बड़ी विडंबना यह है कि राम गोपाल जो है मिश्रा जी को एक कहावत और मैं कह देता हूं कि अपनी चिलम भरने के लिए आप मेरी झोपड़ी जलाते हो। संदीप अपने राजनीतिक संदीप के जी, लिए संदीप जी, आप लोग ढूंढा करते हैं सर, आप लोग ढूंढा करते हैं मौतों में जाति, आप लोग ढूंढा करते हैं अपराध में जाति। रामगोपाल मिश्रा जिसकी जिसकी निर्मम हत्या हुई उस पर तो आपके एक नेता का बयान नहीं है, ट्वीट नहीं है ना सर। रामगोपाल मिश्रा के साथ किसने संवेदनाएं दिखाई? तब तो नहीं कहा आपने कि ब्राह्मण लड़का मारा गया, आज तो आपने कह दिया ब्राह्मण लड़का मारा गया। प्राची जी जाइएगा आप, अगर नेता की बात कर रही हैं, जो नेता मैं आपके सामने हूँ, मेरा ही बयान कम से कम 10 बयान आप देख लीजिएगा राम गोपाल जी के समर्थन में, नेशनल चैनल से लेकर हर जगह पर है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, पार्टी आला कमान की बात कर रही हूँ, आपके प्रदेश अध्यक्ष की बात कर रही हूँ, आज आप ब्राह्मण का लड़का कोट कर रहे हैं और मुझे बता रहे हैं कि ब्राह्मण उत्तर प्रदेश में किस हालत में है, तो राम गोपाल मिश्रा भी तो ब्राह्मण का ही लड़का था, तब भी बोल देते, तब तो नहीं बोला आपके किसी नेता ने।
नहीं बोला अजय राय जी ने, बिल्कुल बोला क्या कि बोला? उसकी जांच होनी चाहिए। सुनिए सुन लीजिए, और ये इतनी नफरत अगर आप भरते, मैंने क्या कहा कि अपनी चिलम भरने के लिए आप मेरी झोपड़ी जलाते हो, नहीं इसका त्रिपाठी मतलब जी, ये नहीं कि आप आप लोग अपनी हर राजनीति हर को हर उसी सेकने मसले के पर लिए जाति खोजा करते हैं, आप लेकिन ये हमारे जाति का मसला समाज नहीं है, प्राची ये जी, जाति का मसला नहीं है सर। और जितना स्पष्ट मतलब आप आप मोहित जाति पांडे का के मसला मामले क्यों? में थे, उतना स्पष्ट आप राम गोपाल मिश्रा के पांडे में नहीं थे।